स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरी YouTube चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी पे। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके वीज़ा प्रोसेसिंग, क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने अपडेट की थी 24 अप्रैल को, तो उस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि सर हमने इस तारीख को वीज़ा अप्लाई किया था और स्टिल अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो इसी वीडियो में उसकी बात करेंगे और साथ साथ में स्वीडन जो यूरोपियन कंट्री है उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए मैं लाता रहता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल जाए और वो इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये पूछा है कि सर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया अब मैं क्या करूं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको यूके वीआई की तरफ से एक प्रॉपर रीज़न दिया गया होगा, तो आप वो रीज़न को लेके अपनी फाइल, अपना जो प्रोसीजर है उसको बराबर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो और अपना वीज़ा दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अगर बैंकिंग स्टेटमेंट की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आपको ये डेफिनेटली जानने की ज़रूरत है कि उस बैंक स्टेटमेंट में आपको ऐसा क्या दिखाया है आपने कि आपका वीज़ा रिजेक्ट किया है उन लोगों ने। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही आती है। और दूसरा एक रीज़न ऐसा होता है कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो यूके वीआई या किसी भी कंट्री का जो आप यूरोपियन, इंडिया से यूरोपियन साइड का जो वीज़ा अप्लाई करते हो, तो वो लोग देखते हैं कि आप इंडिया से नज़दीक में जो ऑन अराइवल वाली कंट्री है या इंडिया से जो बहुत ही लिबरल वीज़ा जो मिल जाता है उस कंट्री में आपने कभी ट्रैवल नहीं किया है और आप सीधा यूके आना चाहते हो, सेंगेन आना चाहते हो, यूएस जाना चाहते हो, तो थोड़ा टफ़ हो जाता है। वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि आप यूके में जाके या सेंगेन में जाके, यूएस या कैनेडा में जाके आप वापस इंडिया नहीं आओगे। तो एक ये माइनस पॉइंट है, अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब आपको वीज़ा नहीं मिला है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पहले उसके लिए एक प्रॉपर आइटनरी, एक ट्रैवल हिस्ट्री तैयार कीजिए। अपने इंडिया से थाईलैंड है, श्रीलंका है, मलेशिया है, सिंगापुर है, दुबई है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो बहुत अच्छी तरह आसानी से हमको वीज़ा देती है और ऑन अराइवल भी वीज़ा फैसिलिटी हमारे पास है उसके लिए। तो आप उसको पहले प्रिपेयर कीजिए, दो तीन कंट्री में ऐसे घूमिए। आप किसी एजेंट को जब काम देते हो अपना वीज़ा लगाने के लिए, तो आप उसको भी चार्ज देते, तो वही चार्ज आप अपने सेल्फ हिस्ट्री के लिए क्रिएट कीजिए। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस भी बहुत ही अच्छे होंगे। अब बात करते हैं कि आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपको कम से कम आपका जितने दिन का प्लान हो यूके में आने के लिए, उतने दिन का आपको बैंक जो फंड है, आपका डिपॉजिट फंड है, वो कम से कम 3 महीने तक उसको मैनेज कीजिए। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में ये चीज़ पहले भी बताई है और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपरली बैंक स्टेटमेंट है उसको मैनेज करना ही पड़ेगा अगर आप यूके वीज़ा चाहते हो तो। इसके साथ में दोस्तों स्वीडन का भी वीज़ा मैं बताना चाहूँगा कि स्वीडन का वीज़ा अभी ओपन हो चुका है इंडिया में। काफ़ी सारी जो एम्बेसी है VFS में, स्वीडन की एम्बेसी ने ओपन कर दिया है। अभी बॉम्बे से, दिल्ली से, हैदराबाद से, काफ़ी सारी जगह से उसका अपॉइंटमेंट मिल रहा है दोस्तों। स्वीडन का वीज़ा लेने में हमें ज़्यादा कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जो कि यूके में लगते हैं, या सेंगेन या फ्रांस में कभी आपने वीज़ा अप्लाई किया हो तो वही सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगते। डॉक्यूमेंट में आपको अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 महीने तक होनी चाहिए और कम से कम 2 पेज खाली होने चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होगी, लेकिन इसके साथ में आपको बैंक स्टेटमेंट जो कि यूके, सेंगेन या कनाडा के लिए, आपको कम से कम 3 महीने उसके अंदर बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर मान लो कि आप यूके वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो या सेंगेन किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको उसकी तैयारी 3 महीने या 6 महीने से पहले करनी पड़ेगी और उसके बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपका वीज़ा इश्यू हो जाएगा। सर हमने इस तारीख को वीज़ा अप्लाई किया था, इस तारीख तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी यूक्रेन की से यूक्रेन में जो नॉन इमिग्रेंट्स है जिनको यूके में आश्रय मिल रहा है, तो उसकी वजह से अभी डिले
थोड़ी प्रोसेस होने की संभावना है, इससे भी ज़्यादा डिले भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए, लेकिन आशा करता हूँ और मेरी जहाँ तक जानकारी है आने वाले कुछ दिनों के बाद ये रेगुलर भी हो जाएगा और यूके कम से कम सितंबर या अक्टूबर के बाद जो भी वीज़ा कैटेगरी है उसको लिबरली मतलब कि 15 दिन के अंदर अंदर वीज़ा के डिसीजन देना शुरू भी कर सकती है, लेकिन नवंबर दिसंबर तक ये जो प्रोसीजर वो ऐसे ही चलेगा। तो आप जब कभी यूके वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 या 4 महीने पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा, जिस दिन की आपकी ट्रैवलिंग डेट हो उससे पहले आप 4 महीने पहले या 3 महीने पहले आप वीज़ा अप्लाई कीजिए, तो आपको ये टेंस नहीं रहेगा कि मेरी ट्रैवलिंग डेट चली गई है और हम क्या करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि सर हमारी इस मंथ में सपोज़ मान लो कि आज हुई है 1 मई, तो किसी ने फाइल तो लगा दी है लेकिन अंदर 10 मई की ट्रैवलिंग डेट दिखा दी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर यूके वीज़ा अगर देना है, आपकी प्रोफाइल अच्छी रहेगी, तो आपको ट्रैवलिंग डेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि यूके वीज़ा से आपको एक मेल की जाएगी या तो आपको इंटरव्यू कॉल के द्वारा इंटरव्यू भी ले जाएगा कि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, तो आपकी जो ट्रैवलिंग डेट है वो आप मैनेज कर सकते हो, आप इसके बाद भी ट्रैवल करना चाहोगे तो आपको जो आंसर आपको ठीक लगे वो देना है। मतलब कि आप अगर बाद में भी ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो आप उनको बता सकते हो कि हाँ जी हम इस तारीख से इस तारीख तक ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो वीज़ा उस टाइम से लगेगा। अदरवाइज़ अगर कॉल नहीं आती और आपकी प्रोफाइल अच्छी रहेगी तो जिस दिन आपका डिसीजन लिया जाएगा उसी दिन से आपका पासपोर्ट में वो वीज़ा इश्यू का स्टिकर और उसके 180 दिन बाद की जो एक्सपायरी डेट है वो लगा दी जाएगी स्टिकर के अंदर। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करना दोस्तों, और अगर आपका कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना दोस्तों। आपकी किसी भी तरह की हेल्प करने में मुझे बड़ी खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है शेंगेन वीज़ा के लिए। शेंगेन वीज़ा में स्वीडन जो टूरिस्ट वीज़ा मैंने बताया है उसकी पूरी डिटेल के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा। दोस्तों जाने से पहले एक ज़रूर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप सबको मैं जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।